मेरे द्वारा ये शिकायत की गई थी कि भाई आने जाने के लिए रास्ता आमजनों के लिए है ही नहीं। जो बहुत पुराना रोड है उसको तोड़ने के लिए मेरे द्वारा आवेदन दायर किया गया था, और जो बीच में जो ज़मीन है वो भी खाली कराने के लिए मेरे द्वारा दिया गया था। न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया उसमें केस को सही पाते हुए जो डिसीजन दीवार तोड़ने का और ज़मीन और खाली करने का अंदर से जो आदेश दिया उसका पालन माननीय SDM जी के आदेश अनुसार माननीय तहसीलदार महोदय दंडाधिकारी उनके द्वारा ये किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय द्वारा राजस्व निरीक्षक पटवारी से मौका जांच रिपोर्ट ली गई है, और जब इस कॉलोनी के द्वारा जब ये कॉलोनी काटी गई है उस समय शासकीय रिकॉर्ड में जो रास्ता है उस रास्ते पर का उपयोग इनके द्वारा बंद कर दिया गया था। जो आम रास्ता रूढ़िगत परंपरागत लोगों को काजकारों को आने जाने के लिए पड़ोसी कृषकों को जो रास्ता था रास्ता अवरुद्ध किया गया था, इससे लोगों को आने जाने में आवागमन में परेशानी उत्पन्न हो रही थी कृषकों को। ऐसी स्थिति में जो उनके द्वारा आदेश पारित किया गया है माननीय अनुभागीय महोदय के आदेश दिना 30/8/2019 के पालन में 40 फीट का रास्ता राणापुर रोड की ओर खोला गया है और 26 फीट का रास्ता इधर पश्चिम की ओर कॉलोनी के अध्यक्ष का कहना है कि हमें नोटिस नहीं दिया उसके पहले ही दीवार। समस्त लोगों की जानकारी में है, कॉलोनी के अध्यक्ष के द्वारा नकल का आवेदन पत्र भी कल प्रस्तुत किया है, सारी इन लोगों को जानकारी में है, और इनके द्वारा 30/8/2019 के आदेश के पश्चात किसी भी न्यायालय से कोई भी आज दिनांक पर्यंत तक भी अभी भी कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन्हें खुद को पता नहीं है न मुझे पता है, उसके बाद 2 महीने बाद और आज तत्काल आके ये दीवार तोड़ दिया। ये ना तो मेरे को मालूम है, मैं खुद कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ, ना मेरे को तहसीलदार साहब ने बताया, ना कोई मेरे पास लिखित में कोई जानकारी आई, और तुरंत यहाँ आके इन्होंने कार्रवाई कर दी। जबकि यहाँ का आंबा खुदरा का तोलिया सरपंच वो खुद हमारा स्वयं साथ में है, उसके बाद इन्होंने ये जो तरीका जो किया है बहुत गलत किया है, और उसके बाद अब यहाँ की जितनी भी चोरियाँ होती है या कुछ भी होती है तो तहसीलदार और प्रशासन इसका जवाबदार रहेगा। आपको नोटिस नहीं मिला है? नोटिस नहीं मिला, मेरे को नोटिस तक नहीं दिया, और तहसीलदार साहब ने मेरे से कल 1 घंटे बात करी कि बोले आप मतलब जो भी है आप मेरे से मिलिए। मैंने ठीक है साहब, आज तो आप बाहर हैं, और उसके बाद और इन्होंने ऐसा कृत्य किया है। जो कॉलोनी वासी भी परेशान है इनसे, और अब ये तो जो भी है हम आगे तक जाएंगे, हम धरना देंगे प्रशासन के खिलाफ, और हमारी लड़ाई जारी रहेगी।